आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की कोई मीटिंग नहीं बुलाई, इसका मतलब ये है कि वो इस मामले को लेकर के गंभीर नहीं है। हरियाणा को उसके हक का पानी नहीं देना चाहता। हमारे जिले में, नंदगढ़ जिले में पहली बार पहुंचने पर अफसर पदाधिकारियों की तरफ से, जिला के सभी साथियों की तरफ से और आप दूर दराज से आए हुए सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूं। विधानसभा विधानसभा पूरे जिले में फंस जाए, उसमें सभी साथियों का और सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ पहुँचने पर आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राम राम। जय। देखिए, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर जब शुरुआत करी थी आंदोलन के बाद, जब आम आदमी पार्टी बनाई, तो आम आदमी पार्टी ने महसूस किया कि बिजली आज हर वर्ग को, हर घर को, हर व्यक्ति को छूने वाला मुद्दा है। और बिजली के जिस तरीके से बढ़े हुए बिल आते हैं, निजी कंपनियों को फ़ायदा देने के लिए सरकारें काम करती हैं, तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और अरविंद केजरीवाल जी ने वो लड़ाई लड़ी, दिल्ली के लोगों ने उसको सराहा, दिल्ली के अंदर 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का काम किया, फिर वो मॉडल पंजाब गया। आज हरियाणा के लोग भी, क्योंकि तो आपको पता ही है कि जितनी हमारी खपत है उसका करीबन 70 और 75% ही वो बिजली हम दे पाते हैं, बाकी बिजली का हमेशा अभाव रहता है। आज भी कई यूनिटें बंद कर रखी हैं, चाहे वो खेदर थर्मल प्लांट हो, यमुनानगर, तो यहाँ से पलायन करने की बात होगी थी। लोकसभा के अंदर आम आदमी पार्टी का क्या स्टेटस है, कितने सीटें? आम आदमी पार्टी 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेगी, लड़ेगी, और मैं समझता हूँ कि यहीं से 2024 में हरियाणा की आम आदमी पार्टी सरकार का भी रास्ता साफ होगा। और उसके लिए ज़मीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता प्रदेश की जनता का सहयोग लेकर के नया नेतृत्व तैयार करने में लगे हुए हैं। अभी आम आदमी पार्टी ने बिजली आंदोलन की शुरुआत करी, जितनी भी इकाई है करीबन 7,500 जगह बिजली आंदोलन सफल तरीके से वो हुआ। हमने अधिकतर घरों को खटखटाने का काम किया, उनको ये बताया कि कैसे हम 300 यूनिट फ्री बिजली देते हैं, बिना किसी कट के देते हैं, 24 घंटे देते हैं और उसकी गारंटी देते हैं। और ऐसे ही भविष्य में अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, रोजगार के साधन, महंगाई पे कंट्रोल, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, ये आम आदमी की प्राथमिकता है, अरविंद केजरीवाल जी की प्राथमिकता है। तो मैं समझता हूँ कि नीचे के लेवल पर देखिए, ये तो अभी बहुत समय है, लोग जो मेहनत करेंगे। अब आज से 4 महीने पहले आपको ये भी नहीं पता था कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनेगा, जिले का अध्यक्ष कौन बनेगा। आज दोनों आपके सामने हैं, आज महिला की अध्यक्ष यहाँ पर है, जुझारू साथी और खड़े हैं। तो समय जैसे जैसे बीतता जाएगा, इन्हीं के बीच में से जो अच्छे लोग निकल करके आएंगे, पार्टी जिनको योग्य और उपयुक्त समझेगी, उनको मैं समझता हूँ कि वो दायित्व देगी। और सबसे बड़ी बात, हरियाणा के जनता ने मन बना लिया है कि वो आम आदमी पार्टी को मौका देगी, प्रदेश की राजनीति में बदलाव आएगा। भ्रष्टाचारी और पापी लोगों से, जिन्होंने हरियाणा को विभाजित करने का काम किया, बार बार हरियाणा को जलवाने का काम किया, उनसे मुक्ति हो। और इन्होंने जिन लोगों को देख लिया, बार बार कई बार मौका दिया, तो मैं समझता हूँ कि अब वो ना महेंद्रगढ़ के अटेली के लोग उनको मौका देंगे, ना हरियाणा के लोग। नहीं, हमारा तो बहुत क्लियर मानना है कि हरियाणा को हरियाणा का हक का पानी मिलना चाहिए, लेकिन आज ये सारा जो है वो केंद्र की सरकार की ढिलाई की वजह से, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। और मैं समझता हूँ कि अरविंद जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर ये बात कही है कि भाई प्रधानमंत्री जी मीटिंग बुलाएं। पिछले 7-8 साल में प्रधानमंत्री जी ने 2016 में ये तय हुआ था, दिसंबर में, नवंबर में,
कि हम प्रधानमंत्री से जाकर के मिलेंगे। आज तक प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की कोई मीटिंग नहीं बुलाई, इसका मतलब ये है कि वो इस मामले को लेकर के गंभीर नहीं है, हरियाणा को उसके हक का पानी नहीं देना चाहते। पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार थी, आप सबने देखा किस तरीके से वो जो बनी हुई SYL थी उसको ही, तो ये जो पंजाब में अलग भाषा, दिल्ली में अलग भाषा, हरियाणा में अलग भाषा BJP और JJP और कांग्रेस के लोग करते हैं, मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक मुद्दा ना बना करके लोगों के हित का मुद्दा समझे और इसका स्थायी समाधान निकाले।